हाँ सर गोरे दलाल का मर रहा है तू, आ नहीं पा रहा ऑफिस सड़ी के, जल्दी आएगा। ठीक है सर, आता हूँ। ठीक है, आता हूँ सर। क्यों रे सुअर, काम पे आ रहा है क्या? हाँ मम्मी। तो जाना भूसड़ी के दिन भर घर बैठे बैठे पलंग तोड़ते रहता है। अबे देख इलेक्शन आने वाले हैं। अबे इस बार तो भर भर के लुटेंगे जे लोग। सही में सही कह रहा। सही कह रही है एकदम। अबे तू रोज का ही है तेरा, जब देखो तब लेट ही होता रहता, क्या करता रहता घर? अरे सर पैसा कमाने की स्कीम लेकर आया हूँ आपके लिए। कैसी स्कीम लाया तू? चुनाव आने वाले हैं। तो भूसड़ी के मुझे क्या लेना देना चुनाव से, उससे तो सब्सक्राइबर भी ना बढ़ते। अरे सर उससे तुम्हारा फेम होगा, लोड़ा कटेगा लोड़ा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और तो और 5 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। वाह क्या बात कर रहा है तू, लेकिन यार इसमें पैसा बहुत खर्च होगा और इतना अपने पास है नहीं। अरे सर इतना बड़ा जी ऑफिस तो पड़ा, 2-4 एकड़ जमीने पड़ी, सब बेच डालो। मैं तो बता रहा हूँ लोड़ा कटेगा आपका, बोट खरीद डालेंगे अपन। मेरी बहुत बात है, प्रॉपर्टी डीलिंग में भी बहुत बात है, प्रॉपर्टी दे दो मुझे, यूं भिजवा दूंगा यूं। ले ले ले। ओहो सर देख रहे हैं वो लड़की को? हाँ हाँ वहीं पे बोर्ड मांगने जाना है अपन को। अच्छा। लेडीज फर्स्ट। चलो पर उससे पहले मैं मुझके आ रही यार। अरे साथ तो चल। अरे भाभी जी बाहर तो आइए। अबे भोसड़ी के दलाल तूने पिटवा दिया मुझे। मुतने तो गया था, मैं तुम्हें मांगना मांगना आता ना। चल देखो सर वहां पे मिल जाएगा तुम्हें एक भिखारी, उससे तुम बात कर लो, मुझे लग रही बहुत तेज पेशाब में मूत के आ रही। भगवान के नाम से वो देगा, मालिक तुझे 10 देगा। अब कुछ डाल जा भोसड़ी। ए मालिक तू देगा दिवी चूतिया है। अरे भाई साहब तुम्हारा लंबा करे भगवान। भगवान एक देगा। भाई साहब कुछ तो दे दो। दे तो मैं तुम्हें भी दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझे लेना सिखाना पड़ेगा। सही में दोगे क्या? पीक की बात कर रहा हूँ बेटे। अजी मेरा कद्दू सिखाए, मेरा पूरा बिजनेस खा जाओगे तुम तो। बेटे जो बोलोगे ना वो दिलवाएंगे हम तुम्हें, बताओ क्या चाहिए। राष्ट्रीय लगेगा वही 40 वाला, जो नया नया आया है। दे देंगे भाई साहब, पर तुम मुझे सिखा तो दो। भीख मांगने के लिए चाहिए रहता है इमोशन, अंदर से आनी चाहिए भीख की तड़प, ऐसा एम आई देना कुछ ऐसा करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बनना पड़ता है, मतलब भिखारी, बिल्कुल भिखारी बनना पड़ता है। ठीक है मैं बताता हूँ। ऐसे करना चल। अरे सर आ गए तुम? हाँ सीख लिया भी, मतलब वोट मांगना। अरे एक नंबर सीखा, ऐसे ऐसे वोट मांगूंगा आज, ऐसे ऐसे वोट मांगूंगा कि हर एक पॉलिटिक याद रखेगा कि हाँ ऐसे ही मांगने चाहिए वोट। चलो तो फिर मांगते। चलो ओ देखो देखो कौन आया, चूतिया आया, चूतिया आया। देखो देखो कौन आया, चूतिया आया, चूतिया आया। सर अरे जे क्या करवा रहे हो तुम, चिल्लर पार्टी से राइमिंग करवा रहे हो इतनी बुरी बुरी। अरे सर इनके ही तो वोट डलेंगे, इनके बच्चों के। बच्चा नहीं है ये, इसके 4 बच्चे हैं सर, और इसके। अरे इसकी तो दाढ़ी मुझ भी नहीं है। अरे सर ये दादा है एक लड़के का, तुम्हें ना पता। भाई साहब जी ध्यान रखना, सूर्य की पहली किरण के साथ पलंग पे ही देना है। पलंग पे ही देंगे, अपनी तरफ से दिखा रहा हूँ। आजी बोल्ट मेरे इससे, हम तो हमारे फूफा के लोड़े को ही देंगे। तुम्हें पता है वो कितनी मस्त मशीन लेके आ रहा है, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलता है, और तो इतनी बढ़िया टंकी भी बनवा रहा है।
अजी कद्दू की मेरी टंकी, एक बार हमें देखे तो देखो हमारी प्रधानी में हम इससे बड़ी टंकी बनवाएंगे। अरे प्रधान जी अब ले लिए वोट? हाँ ले लिए। और तू ये बता बार बार जा कहाँ रहा है? मूतने गया था मैं। अबे जब से इलेक्शन चालू है तब से तुझे मूतने ही पड़ा है। मूतने आ रहा हूँ। अरे मुझे प्रॉब्लम है यार। क्या प्रॉब्लम है तुझे? बताता हूँ चलो। अरे भाई दलाल ब्रोकर, सर इंग्लिश में बोल लो ब्रोकर। हाँ दलाली। हाँ दलाल ना ब्रोकर बोल लो, फील हो जाएगी। चल ब्रोकर, लेकिन मैं तेरे भरोसे देख चुनाव में खड़ा दोगे, लेकिन अपन जीत जाएंगे ना। जीतेंगे। अभी देखो ऐसा घर में लेके जाने वाला हूँ ना, यहाँ के बोर्ड बिल्कुल पक्के हैं, बिल्कुल पक्के। देखो सर इस वाले घर में अपन जाएंगे ना, तो इस घर के बोर्ड बिल्कुल पक्के, तुम जाना, तुम्हारा स्वागत होगा। मेरे को लग रही पेशाब में भूख आ रही है। जाओ बजाओ। भाई सब वोट मांगने आए थे। तेरी बहन का वोट? अरे उस दलाल ने तो कहा था स्वागत होगा मेरा, लेकिन उन लोगों ने कुत्ते की तरह मारा रे। आज तो बादल कितने आग में उतर रहे हैं। सच में बे तेरी कसम कुत्ता मूतेंगे। अरे मेरे देश के भविष्य, सूर्य की पहली किरण के साथ वोट पलंग पे ही रहना है, ठीक है? तुम चूतिया प्रधान हो क्यों? तुम्हें पता ना कुछ? क्या चुनाव कैंसल हो चुके? मेरे कद्दू के प्रधान बनोगे तुम? कद्दू का साला। इसका मतलब उस दलाल ने मुझे बर्बाद करवाने के लिए सब कुछ किया, मुझे नहीं पता था। अरे सर। हाँ अपनी वो बॉम्बे वाली पार्टी देने को तैयार हो गई। इतने जल्दी देने के लिए तैयार हो गई? ऐसा कर क्या दिया तूने जो तो ये देने के लिए तैयार हो गई? मैंने बोला तो मुझे तो ना दे रही थी, तो ये देने के लिए तैयार है। अरे सर वो आपको भी देगी मुझे भी देगी। अरे क्या बात कर रहा है तू? कॉन्ट्रैक्ट सर, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट। चाय पियोगे या कॉफी? कॉफी। वो तो ना है बेटे, तो फिर चाय मंगा दो। अरे भाई दलाल चाय तो ले आ। देखो सर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे दलाल मलाल बिल्कुल भी मत बोलो, मुझे लगता है बहुत बुरा। मुझे बोल लो ब्रोकर बोल लो, सिक्योरिटी बोल लो, दलाल का होते मेरे को दलाल ना बोलना, आज के बाद दलाल मत बोलना मुझे। अरे हाँ वही वही ब्रोकर ही, चाय तो पिलवा दे, क्यों भड़क रहा है तू इतना? देख रहा सर ये आपका दलाल कितनी भकर चोदी पेल रही है। हमारा दलाल पता कैसा है, रोज आके घर पे बर्तन साफ करता और तो चड्डी बनियान कपड़े वपड़े सब धोता है, और जहाँ तक किसो वोट के मुँह कंट्रोल। अरे मैं भी परेशान हूँ यार इससे, जब देखो तब दो जनों के सामने मेरी बेइज्जती करके चला जाता यार, क्या करूँ मैं इसका? आने दे इस साले को आज। अरे किसी के सामने मेरी बेइज्जती करवा रखी, आज इसको देखना ऐसा रपेटूंगा ना, ऐसा रपेटूंगा ना, किसी के सामने बेइज्जती नहीं करेंगे मेरी। बस सर यही गुस्सा चाहिए, आना तो इसकी माँ को कंट्रोल कंट्रोल। लो सर वे चाय में तो दूध ज्यादा है। तो चाय में दूध ही तो रहेगा। हो सड़ी के मुंह चोदी कर रहा मेरे साथ, ये ले चला निकल।